हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की। इसके पहले हम बात कर चुके हैं FCFS की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास अवेलेबल शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसे हम SJF भी बोलेंगे। इस एल्गोरिथम में कुछ डिफरेंस है पहले वाली एल्गोरिथम से। FCFS में हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास जो एल्गोरिथम पहले आ रही है, सॉरी जो प्रोसेस पहले आ रही है, उस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट SJF जैसा नाम है इसका, वैसा ही काम है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब जिस जॉब का बर्स्ट टाइम कम होगा हम उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको स्टार्ट करने के पहले कि इसमें कौन कौन से प्री रिक्विजिट हमें रिक्वायर्ड होगी, जिससे हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ईजिली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इफ़ वी हैव CPU, देन इन दिस प्रोसेस असाइन टू द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम प्रोसेस। हमारे पास CPU अवेलेबल है, तो हमें सबसे कम बर्स्ट टाइम की प्रोसेस को ही असाइन करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉर मोर देन वन प्रोसेस हैज़ द सेम CPU बर्स्ट टाइम, देन SJF वर्क्स लाइक FCFS। अगर किसी भी दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम आता है, मतलब प्रोसेस नंबर P1 भी 5 सेकेंड एग्जीक्यूट होने वाली है और प्रोसेस P2 भी 5 सेकेंड एग्जीक्यूट होने वाली है, तो फिर हम उसको किसकी तरह एक्ट करने लग जाएंगे, FCFS की तरफ। मतलब जो प्रोसेस पहले मेमोरी में आई होगी उसे हम पहले एग्जीक्यूट करवा देंगे। उसके बाद हम वापस ये देखेंगे कि अगर प्रोसेस दोनों सेम टाइम पे मेमोरी में आई है, तो फिर हम किसको देखने लग जाते हैं, हमारे प्रोसेस नंबर को। मतलब पहले हमें बर्स्ट टाइम चेक करना है, अगर वो सेम है तो अराइवल टाइम जिसका मिनिमम होगा उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर अराइवल टाइम भी सेम है तो फिर हम प्रोसेस नंबर चेक करेंगे। प्रोसेस नंबर तो डैम श्योर कैसा होगा, यूनिक होगा, तो जो प्रोसेस पहले आई होगी हमारे पास मेमोरी में, हम उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और अभी आपको न्यूमेरिकल में आगे क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मोस्टली यूज बाय SJF। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में मोस्टली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को क्रिएट करके उसे होल्ड करने में, ताकि हम उस न्यू प्रोसेस को सिस्टम में दे दें। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस क्रिएशन और उसको सिस्टम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है। फिर बात करते हैं SJF वर्क्स टू मोड्स, दो मोड में काम करेगी, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ज़्यादा आसान तरीका नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसलिए मैं पहले आपको जो न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ वो सारे नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम पे बेस्ड है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग भी बोलेंगे। मतलब अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि SRTF एल्गोरिथम सॉल्व करना है, मतलब आपको समझ जाना है कि SJF का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। और अगर SJF बोला जाता है नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व करना है। फिर हमने अभी तक FCFS में जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमारे पास प्रोसेस नंबर था, अराइवल टाइम था, बर्स्ट टाइम था, कंप्लीशन टाइम था, टर्न अराउंड टाइम था, वेटिंग टाइम था। बस हम इतने ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। बट हमारे पास एक पैरामीटर और अवेलेबल होता है, रिस्पॉन्स रेशियो, जिसको बहुत सी बार पेनल्टी रेशियो भी बोलते हैं। ये वो फैक्टर है जिससे हमारे प्रोसेसिंग रेट, इतने फैक्टर से हमारा प्रोसेसिंग रेट रिड्यूस हो रहा है। तो किस प्रोसेस के कारण कितना प्रोसेसिंग रेट रिड्यूस हुआ है, ये हमको पता चलने वाला है। तो आपसे हम हमारे रिस्पांस रेशियो को भी फाइंड आउट करेंगे। आप चाहें तो सेम फॉर्मूले के साथ FCFS में भी इस रिस्पांस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है SJF नॉन प्रीएम्प्शन पे। नॉन प्रीएम्प्शन का मतलब होता है आपकी प्रोसेस जो एक बार आ जाएगी उसे आप पूरी तरह एग्जीक्यूट करेंगे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आने वाला है। और हम जब प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस की बात करेंगे तब हम इंटरप्ट कर सकते हैं दूसरी प्रोसेस के थ्रू। तो नॉन प्रीएम्प्शन है मतलब एक बार जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी फिर उसके बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा। बट ध्यान क्या रखना है हमें इस न्यूमेरिकल में, कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है उसे पहले एग्जीक्यूट करना है, अगर वो मेमोरी में आ गई है तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोसेसेस अवेलेबल है, अराइवल टाइम सबके सेम है। मतलब सपोज सारी प्रोसेसेस सुबह 10 o'clock पे हमारे पास अराइव हुई, जैसे ही वो रेडी क्यू में आती है हमको क्या पता चल जाने वाला है उनका बर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 6 सेकेंड है सपोज। सेकेंड यूनिट डिफाइंड नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ।
प्रोसेस पी टू का 8 सेकेंड है, प्रोसेस पी थ्री का 7 सेकेंड है, प्रोसेस पी फोर का 3 सेकेंड है। सारी प्रोसेसेस एक साथ मेमोरी में आई हैं, तो हम इसके बर्स्ट टाइम देख लेंगे। तो बर्स्ट टाइम सबसे कम पी फोर प्रोसेस का है, तो गैंट चार्ट बनाने वाले हैं। गैंट चार्ट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि प्रोसेस किस सिक्वेंस में और कितने एग्जीक्यूशन टाइम के साथ कितनी टाइम पर अराइव हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें गैंट चार्ट से ही पता चलती हैं, जो कि हमने एफ सी एफ एस की स्लाइड्स में सीख लिया था। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, पी फोर प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा ली। नॉन प्रीएम्पशन है, मतलब बीच में प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, पूरी एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करवाई 0 से 3 सेकेंड, उसके बाद मैंने चेक किया कि अब किसका है लोवेस्ट बर्स्ट टाइम, पी वन प्रोसेस का। तो फिर देखिए मैंने 6 सेकेंड के लिए पी वन प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट करवा ली। फिर हमने देखा कि किसका बर्स्ट टाइम कम है, पी थ्री प्रोसेस का, तो फिर पी थ्री प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा ली। फिर देखा बर्स्ट टाइम किसका कम है, पी टू प्रोसेस का, तो हमने पी टू प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट करवा ली। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे ही हमने गैंट चार्ट बनाया है जैसा एफ सी एफ एस का। बस डिफरेंस ये है कि पहले हम एफ सी एफ एस में स्टार्टिंग से एंड तक चले जाते थे, अब हम बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमने कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लिया, पी फोर का 3, पी वन का 9, पी थ्री का 16, पी टू का 24, सारे कंप्लीशन टाइम्स अकॉर्डिंगली यहाँ लिख दिए। टर्न अराउंड टाइम्स कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। फिर बात आती है वेटिंग टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया है। फिर आते हैं रिस्पांस रेशियो, जो हम एसजेएफ से ही स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड आउट करना। रिस्पांस रेशियो जो है वो प्रोसेसिंग रेट है जिससे हमारी वो फैक्टर है जिससे हमारा प्रोसेसिंग रेट रिड्यूस होता है। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम मतलब टोटल टाइम वेटिंग प्लस सारा मिला के जो हमारे पास था डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। तो मैंने ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करी और मुझे ये सारे फैक्टर मिल गए। इन फैक्टर से मेरा प्रोसेसिंग रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसमें देखिए पी फोर प्रोसेस किसी भी टाइप के प्रोसेसिंग रेट को रिड्यूस नहीं कर रही। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि उसका वेटिंग टाइम क्या है, 0 है। फिर एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमने फाइंड आउट कर लिए जैसे हमारे पास अकॉर्डिंगली अवेलेबल थे। तो हमें पता चल गया कि इस इतनी चार प्रोसेसेस का इतने बर्स्ट टाइम के साथ हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।